हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। गाइस, अभी रीडिंग करने वाली हूँ उनकी करंट एनर्जी अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त वो आपको लेके। ये रीडिंग सभी के लिए हो सकती है, लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, जो लोग कनेक्शन में है बट मिल नहीं पा रहे हैं, और जो लोग मैरिड हुए हैं वो लोग भी देख सकते हैं कि आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। पर्सन तो अकेले है ऐसा उनको लग रहा है, भीड़ में भी अकेले है शायद, लोग तो है, काम भी है, बहुत ज़्यादा काम आजू बाजू में है, सब कुछ है, बट फिर भी मिसिंग लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं। आपकी याद आ रही इस पर्सन को, लोगों में अकेला फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंटुइटिव मानते हैं, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, मिलना तो चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं। गाइस खुश हो जाइए, रिकंसाइल होना चाहते पर्सन आपसे, बाहर जाना, डेट पे जाना, पार्टी करना। आपको हाईली इंटुइटिव मानते हैं, या फिर पर्सन को शायद पता है, आप हो सकता है कि आप एक अच्छे जॉब पे हो, आपको शायद अभी प्रमोशन मिला है, या फिर आप एक डॉक्टर हो, ऐसा हो सकता है, हीलर हो, लाइट वर्कर हो। इस पर्सन को शायद पता चल चुका है, प्रपोज तो करेंगे पर्सन आपको। बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है गाइस, प्रपोज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इस वीक आपको कोई प्रपोज कर सकता है। बट किस तरह से जाए ना, ये जगलिंग में है पर्सन, क्लैरिफाई करेंगे तब समझ में आ जाएगा। और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, कुछ खत्म होके कोई नई स्टार्ट, सडनली चेंज। बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, आई टोल्ड यू ना, कुछ खत्म होके एक नई स्टार्ट, और इस बार एक स्टेबिलिटी के साथ। आइसोलेशन है फिर भी, कुछ चीज़ के लिए अकेला होके सोचेंगे ये पर्सन, आइसोलेट करेंगे, या फिर आइसोलेशन में है अभी ये पर्सन, सोच रहे हैं। इस पर्सन को शायद पता है कि आपके साथ आने के लिए उनको शायद कुछ चीज़ों का एंड करना पड़े, तभी नई स्टार्ट पॉसिबल है। बट ये पर्सन आता हुआ तो मुझे दिख रहा है, सोच रहा है और एक्शन भी लेते हुए दिख रही है पर्सन आपके लिए।
अब इतने मैंने एक मांगे इतने दे दिए। फैमिली होगी क्योंकि आपका और उनका कनेक्शन डेस्टाइन है। एक स्टेबल फाउंडेशन के साथ ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में गाइस। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन होपफुल है बहुत ज़्यादा। हालांकि इस कनेक्शन में मुश्किलें तो बहुत है, बट ये पर्सन उसके लिए भी आ रहा है। देखिए कुछ चीज़ें छुपाई गई है इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन ने कोई चीज़ें आपसे छुपाई है, ये हो सकता है। और इस पर्सन अब लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद इस वजह से ये पर्सन आज अकेला पड़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने पास में काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई थी। हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई कर रहा है बैलेंस। ये पर्सन को पता है कि देखिए ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, करंट फीलिंग में निकाल रही हूँ। तो ये पर्सन मानता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटिट्यू हो चुके हो, आपने अपने आप को अच्छे से बैलेंस कर लिया है। आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई गई थी और इसीलिए इस पर्सन शायद आपने उनसे बातें करना छोड़ दिया है। थ्री ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी इशू लग रहा है। लगता है इस पर्सन ने आपको शायद थर्ड पार्टी में डाला हो, या फिर इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई थी। बट ये पर्सन अब वेट कर रहा है आपके साथ रिकनसाइल होने के लिए। और ये जो वेटिंग है ये होपफुल, ये पॉजिटिव वाली वेटिंग है। ऐसा नहीं कि जस्ट आपको वेटिंग जोन में डाल दिया है, नहीं, ये वेटिंग रिकन्सिलेशन होने के लिए वेटिंग है। अगर नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून दो बार आ चुका है गाइस, साइन मैं बोलूँगी तो सारे साइन आ चुके हैं यहाँ पे। तो यस, आप डिस्टाइन करने पार्टनर इस पर्सन को पता चल चुका है और ये अब आपको देगा। कुछ झगड़े आपके हुए थे इस पर्सन को लेके, कॉन्फ्लिक्ट हुए थे और इसीलिए अभी भी जगलिंग में पर्सन चल रहे कि आप माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। डेथ की एनर्जी देते हैं यहाँ पे, डेथ की वो दे रेंज है। क्या ख़त्म हो रहा है ऐसा लग रहा है इन पर्सन को, आपने क्या ख़त्म कर दिया। आपके लिए एनर्जी निकालते वक्त डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। ओके एम्परर, तो ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे आपको लेके, घमंड में थे, अप्रोच नहीं करना, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, अब ये चीज़ें ये पर्सन एंड करेंगे। और इस पर्सन का यही एटीट्यूड शायद ना, और देखिए एक तो ये पर्सन कुछ चीज़ें छुपा रहा है, ऊपर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी इगोइस्टिक है, खुद के चलाता है। तो कौन इस पर्सन के, ऐसे पर्सन को कौन इतने टाइम ये करेगा ना, शायद आपने भी दिखा दिया होगा। और ये पर्सन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म करके आपके पास आना चाहता है क्योंकि इस, देखिए मैंने अगेन बोला, आपके लिए मैं जब भी एनर्जी निकालती हूँ नाइन ऑफ कप की एनर्जी आती है। इस पर्सन की लाइफ में आप एक गुड न्यूज़ बन के आ रहे हो, इस पर्सन की आप एक लकी चार्म हो, ये पर्सन को पता है। अगेन नाइन ऑफ पेंटेकल्स, जिस तरह से आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, शायद आपने आइसोलेट कर लिया है, इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया है, आपने अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। और ये चीज़ें आपकी इस पर्सन को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ें ये पर्सन को बहुत अंदर ही अंदर ये पर्सन को समझ में नहीं आता है, मुझसे बात भी नहीं कर रही है, कर रहा है और इतना खुश कैसे रह रही, इतना खुश कैसा रह रहा है। इसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ चुका, ये भी चीज़ें हो रही हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना नाइन ऑफ कप्स सिक्स ऑफ वैंड्स, विक्ट्री मानते हैं ये पर्सन आपको। और आएंगे अब तो आँख बंद करके भी बोलूँगी मैं, ये पर्सन आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे क्योंकि इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन की लाइफ में एक विक्ट्री हो। अगेन टेन ऑफ पेंटेकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ कप। इस पर्सन के को लगता है आपके साथ जब रिश्ता बनेगा ना, इस पर्सन के लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और ये पर्सन अब अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप सॉरी, सिक्स ऑफ वैंड्स। सिक्स की एनर्जी गाइज, हो सकता है आपको आप लोगों को डबल सिक्स ट्रिपल सिक्स ज़्यादा दिखता हो, डबल नाइन ट्रिपल नाइन ज़्यादा दिखता हो,
यहाँ पे 333333 ज़्यादा दिखता हूँ एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन द बॉटम ऑफ द डे। शुरू भी यही से हुई, एंड भी यही से हुई। अलोन तो फील करता है, ये पर्सन क्विकली आना चाहता है आपके लाइफ में। इस पर्सन को पता चल चुका है आप ही उसके डेस्टाइन पार्टनर और इस पर्सन के आप ही सोलमेट हो। शायद आप लोगों का रिश्ता बचपन से है, आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर आप लोगों की फ्रेंडशिप कई सालों से चलती आ रही है। और बट एक चीज़, एक धोखा इस पर्सन ने आपके साथ किया या फिर कुछ बातें आपसे छुपाई है, शायद इसलिए आपने इस पर्सन से एंड कर दिया, अपने ओर से शायद आपने एंड कर दिया, या आपको आइसोलेट, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया। क्योंकि आप दोनों में हुए थे झगड़े, जिस पर्सन से ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, आपको पता चल चुका शायद इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी और ये पर्सन जिस तरह से बैलेंस करता था, तो आप दोनों में तो झगड़े डेफिनेटली हुए। और झगड़े होने के बाद आपने अपनी ओर से शायद रिश्ता ख़त्म कर दिया था और आपने कहीं और अपनी स्टार्ट कर दी थी। मतलब आपने वर्क में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकता है, अपने हॉबीज़ में हो सकता है, या फिर किसी के लिए कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ये आपने इस पर्सन से खुद को आइसोलेट कर लिया था, बट ये पर्सन को अब पता चल चुका है आप ही इस पर्सन के डेस्टाइन पार्टनर हो, आप इस पर्सन के सोलमेट हो। ये पर्सन क्विकली आपके लाइफ में आना चाहता है, यहाँ पे क्विकली भी आ रहा है, थ्री ऑफ वैंड्स भी आ रहा है। देखिए सोच में बहुत ज़्यादा क्विकली कि आज बोले तो आज में आ जाओ, बट टाइम आज का ये नहीं कि आप ये पर्सन आ जाएगा और आप इसको माफ़ कर देंगे। ये पर्सन अभी आना चाहता है, बट ये पर्सन वेट कर रहा है क्योंकि शायद आप इस मेंटेलिटी में नहीं है। इसीलिए ये भी दोनों एनर्जी आ रही है, आना तो चाहता है बट एक जायजा ले रहा है सिचुएशन का कि आप मानेंगे नहीं मानेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, आप किस मेंटेलिटी में हो। इसलिए पर्सन थोड़ा रुक रुक के आपके साथ रिकंसल होने के लिए वेट कर रहा है, बट आना तो ये पर्सन डेफिनेटली चाहता है। लगता है मुझे रिकंसिलेशन तो डेफिनेटली है गाइज, आपकी आप लोगों की थोड़े बहुत मनमोटा हुए बट ये शॉर्ट हो जाएंगे। आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, विक्ट्री हो, और ये पर्सन को पता है डेस्टाइन पार्टनर भी आप ही हो। आपसे आपको छोड़ के कुछ नहीं होने वाला इस पर्सन का। ये पर्सन के दिमाग में क्या करंट एनर्जी मैंने निकाल ली। आपको एनर्जी अगर अच्छी लगी गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना आपको, और रीडिंग को क्लेम करना अगर रेजोनेट होती है तो। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, हैव अ नाइस डे।